थोड़ा सा कैमरा सर आपका डायरेक्शन नीचे की ओर आएगा। और ऊपर अब अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। ठीक है सुनील जी, हम शुरू करें। टाइम सही हो गया हमारा शायद, आई थिंक 10 जी सर, जी सर तैयार। 10 से शुरू करेंगे और फिर 11 तक ही हमारा टाइम रहेगा। 11:05 तक ही सर या 10 तक खत्म कर लेंगे, ध्यान रखेंगे सभी लोग, क्योंकि हमें एक नए कार्यक्रम में जुड़ना है आज। तो 10 बजे तक हमारा लेक्चर रहेगा, 5-7 मिनट हम क्वेश्चन आंसर के लिए दे देंगे। हाँ, तो 11:10 तक खत्म कर देना ना। जी सर, जी सर, सर आपका 11 बजे तक समय रहेगा, 10-5 मिनट बच्चे कुछ पूछते हैं तो उसके लिए। सभी स्क्रीन पे बैठे हैं, जैसा कि हमारी वैदिक परंपरा है, किसी भी कार्य का प्रारंभ हम मंगल से करते हैं। जीवन के मंगल से लेके मंगल यात्रा तक की जो हमारा एक सफर है, उसको हम तय करने के लिए सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, योग व्याख्यान वाला श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारे बीच योग विभाग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जितेंद्र शर्मा जी हैं। आप देश के ख्यातिलब्ध दर्शन शास्त्र एवं योग शास्त्र के विद्वान हैं। आप पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र से जुड़े हैं और आप इससे पूर्व चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय चित्रकूट से जुड़े थे। अनेक अनुसंधान आदि कार्यों में आपका सराहनीय योगदान है तथा दर्शन के क्षेत्र में विशेष करके आपके अभिरुचि है और अभिरुचि के क्षेत्र में आपने उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की है। ऐसे ख्यातिलब्ध प्रतिष्ठित विद्वान को हम अपने बीच पाकर हर्ष एवं धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। मैं आपका विश्वविद्यालय के मुखिया कुलपति आचार्य सिकंदर कुमार जी की ओर से, विश्वविद्यालय के योग अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार शर्मा जी की ओर से, विभाग के हमारे सहयोगी द्वय डॉक्टर विशंबर सिंह रंजन जी एवं डॉक्टर अर्पिता जी की ओर से भी मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ मैं आपका स्वागत विश्वविद्यालय के समस्त छात्र समुदाय, शोधार्थी, हमारे मास्टर डिग्री डिप्लोमा के अन्य विद्यार्थी, पूर्व विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रीता भल्ला जी की ओर से तथा समस्त विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। देवभूमि हिमाचल की ओर से मैं आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं आग्रह करूंगा सुनील जी से कि आपके उपलब्धियों के विषय में कुछ लोगों को नहीं पता है, इसलिए वो एक संक्षिप्त जीवन वृत्त आपके विषय में प्रस्तुत करने की कृपा करें सुनील जी।
जी सर धन्यवाद सर धन्यवाद. गुड मॉर्निंग नमस्कार टू ऑल योग साधक्स. आई सुनील शर्मा पीएचडी रिसर्च स्कॉलर डिपार्टमेंट ऑफ योगा स्टडीज हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी. आई वेलकम यू ऑल एंड हु हैव जॉइन दिस वन मंथ लेक्चर सीरीज डिन 17 ऑन द ओकेशन ऑफ IDY बी विद योग बी एट होम ऑर्गेनाइजिंग बाय डिपार्टमेंट ऑफ योगा स्टडीज हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी. वेलकम. आई एम एक्सट्रीमली ओवरवेल्ड एंड प्रिविलेज टू वेलकम अवर गेस्ट स्पीकर डॉक्टर प्रोफेसर जितेंद्र कुमार शर्मा. ही इज अ प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ योगा इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक. ही हैज डन MA फिलोसफी नेट डी फिल PG डिप्लोमा इन योग एंड हिज मेनली स्पेशलाइजेशन इन इंडियन योगिक फिलोसफी. Professor Sharma has more than 27 years of experience in academic and research. Professor Sharma has significant publication contribution. He has published more than 75 research papers in national and international journals. He has participated in n numbers of seminars, conferences, workshops in international and national level. He has published 4 books along with 6 in STEM publication, which is mostly referred by university students. Professor Sharma has received n numbers of award as well. He has supervised and awarded more than 20 PhD scholars. Professor Sharma has devoted his life to promote the culture and philosophy of yoga. I am not taking too much time. I wish to extend my appreciation to Professor Sharma, sir, for accepting and supporting our 1 month lecture series. I am fully confident, sir, that your knowledge, experience, expertise will provide important insights to all our yoga sadhaks. Thank you, sir. Mic over to you. Yes, sir. Mic over to you, sir. Aap start kijiye, sir. Shuru karein? Ji, sir. Ji, sir. सारस्वत व्याख्यान माला में मैं अपना वक्तव्य प्रस्तुत करूं. इसके पूर्व मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के कुलगुरु आचार्य सिकंदर कुमार के श्री चरणों में अपना प्रणति निवेदन संप्रेषित करता हूं, जिन्होंने एक वक्ता के रूप में स्वीकृति प्रदान कर मुझे आप लोगों से रूबरू होने का आज अवसर प्रदान किया है. इसी के साथ ही मैं विभाग अध्यक्ष योगिक स्टडीज आचार्य विजय कुमार शर्मा को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ. आयोजन समिति के सचिव अनुजीवत डॉक्टर सत्य प्रकाश पाठक, संपूर्ण आयोजन समिति सहित कार्यक्रम से जुड़े उन समस्त सारस्वत पुत्रों और मनीषियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, जो आज इस राष्ट्रीय वार्ता में सहभाग कर रहे हैं. मेरा विषय है समत्वम योग उचिते युगानुकूल विमर्श. समत्वम योग उचिते युगानुकूल विमर्श. आज संप्रति संपूर्ण विश्व भयंकर त्रासदी, बर्बादी और दुख के दौर से गुजर रहा है. थोड़ा सा कैमरा से ऊपर कर लीजिए, आप थोड़ा विजिबल नहीं है. थोड़ा सा कैमरा ऊपर ऊपर लें. जी जी सर, आप ठीक है? सर फेस अभी भी आपका थोड़ा कट गया है. फेस को थोड़ा सा ऊपर या बैठ जाइए सर. यस एक तरफ संपूर्ण विश्व भ्रष्टाचार, बलात्कार, व्यभिचार, हिंसा और आतंकवाद से ग्रसित है, दूसरी तरफ निरंतर वर्धमान पर्यावरण प्रदूषण परिणाम स्वरूप जान माल को भारी तबाही मचाने वाले निरंतर बढ़ते हुए चक्रवाती तूफान, COVID-19 जैसी महामारी का तांडव, इन सभी के साथ टूटा हुआ अवसादग्रस्त मन,
चारों तरफ दुख की यवनी क्या गहनतर होती जा रही है। ऐसे में महात्मा बुद्ध का वो वक्तव्य मुझे याद आ जा रहा है जब उन्होंने कहा था कि दुखों से संतुष्ट मानव जात ने आज तक जितना आंसू बहाया है उतना महासागरों में जल भी नहीं है। प्रश्न उठता है आखिर में चतुर्दिक व्याप्त इन दुखों का निवारण कैसे हो सकता है। आइए प्रतिपादी की तरफ बढ़ते हुए हम सर्वशास्त्र में गीता में इसका समाधान देखते हैं। भगवान ने गीता में कहा कि जब दुख की बदली बहुत घनी हो जाए ऐसी स्थिति में कर्तव्य अकर्तव्य की स्थिति में जब कर्तव्य पंथ न सूझ रहा हो तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्तुम परमम यार्हसि। हे अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है इसलिए शास्त्र विधान को जान करके उसी के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। प्रश्न पैदा होता है कि आखिर में दुखों से निवारण का गीता में क्या विधान है, दुखों का निवारण कैसे हो सकता है। भगवान कृष्ण आइए विश्व गुरु कृष्ण के मुख से ही दुखों के निवारण का समाधान देखते हैं। उन्होंने कहा मार्गस्त्रयो मया प्रोक्ता नाम श्रेयो विदिशया ज्ञानम कर्मम च भक्तिं च नोपायो अन्यास्ति कर्चित। मानव मात्र के दुखों के निवारण के लिए दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए मैंने तीन मार्ग बतलाया है ज्ञान मार्ग ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग ही वह माध्यम है जिसको व्यवहित करके मानव जाति दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति प्राप्त कर सकती है। समत योग की विवेचना करूं इसके पहले ज्ञान योग क्या है इस पर मैं प्रकाश डालूं। ज्ञान से ही मुक्ति मिल सकती है ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है रिते ज्ञान मुक्ति। तो प्रश्न पैदा होता है कि आखिर में अज्ञान क्या है। अज्ञान वस्तुतः अज्ञान ही हमारे सभी दुखों का मूल है। प्रश्न पैदा होता है अज्ञान किस क्षेत्र में है। अज्ञान तीन विषयों को लेकर होता है जीव जगत और जागतिक संबंध। जीव जगत और जागतिक संबंधों का यथार्थ ज्ञान न होने से ही हमें सारी प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। प्रश्न पैदा होता है आखिर में जीव का स्वरूप क्या है। क्या जो हमारा ज्ञान है वो तीन विषयों को लेकर है जीव जगत और जागतिक संबंध। इसी अज्ञान से निवृत्ति ही सारे दुखों का उत्स है। ऐसी स्थिति में प्रश्न पैदा होता है कि जीव जगत और जागतिक संबंध किस रूप में हम देखते हैं। तो आइए हम देखें हमारा ज्ञान क्या है जीव जगत और जागतिक संबंधों को लेकर के। जीव क्या है, जीव का स्वरूप क्या है। बहुत पहले सभ्यता के उसह काल में ही हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रश्न का निवारण इस प्रश्न का समाधान खोजने का प्रयास किया और उन्होंने कहा ओ हम भो मेरा क्या स्वरूप है, क्या मनुष्य है। त्रिविध वैष्णवों की सिद्धि की तलाश में भटकता हुआ त्रिविध वैष्णवें वित्तैषणा पुत्रैषणा लोकैषणा इन त्रिविध वैष्णवों की सिद्धि की तलाश में भटकता हुआ वन्य पशु है अथवा उसका स्वरूप आध्यात्मिक है। क्या जाति रूप रंग लिंग भाषा वेशभूषा की क्षुद्र सी मित्रता में बंधा हुआ मनुष्य कोई संसारी जीव है। गड़बड़ हो गया, देखो हॉटपॉट गड़बड़ हो गया। हाँ चलो यहाँ लगाओ जरा हॉटपॉट करना। स्वरूप आध्यात्मिक है। क्या मनुष्य जाति
रूप रंग लिंग भाषा वेशभूषा की सीमितताओं में बंधा हुआ क्षुद्र संसारी जीव है। उत्तर, निर्वाण षटकम से मनुष्य का क्या स्वरूप है? न मृत्यु न शंका न मे जाति भेद पिता नयो मे नयो माता न जन्म न बंधुर न मित्रम गुरु नयो शिष्य सिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम। मनुष्य जाति रूप रंग लिंग भाषा वेशभूषा की सीमितता से परे स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। जगत का क्या स्वरूप है? जगत लौकिक चाकचिक्य में हम आत्म स्वरूप को विस्मृत ही रहते हैं। जगत ज्ञान की दृष्टि से जगत मिथ्या है, परंतु जब हम लौकिक आचार की दृष्टि से देखेंगे, कर्तव्य पालन की दृष्टि से देखेंगे, यह जगत परमात्मा का अंश है। ममैव अंशो जीव लोक जीव भूत सनातन, जड़ जगत वनस्पति जगत पशु जगत मानव जगत सब में मेरा ही प्रकाश फैला हुआ है। ऐसी स्थिति में यह जगत सर्वथा रक्षणीय और वंदनीय है। जागतिक संबंधों की क्या स्थिति हमारी? हम अपने जो हमारे सांसारिक संबंध हैं, नाना नानी दादा दादी पति पत्नी, इन्हीं जो हमारे दैहिक संबंध हैं, काम क्रोध लोभ मोह पर आधारित इन्हीं दैहिक संबंधों में हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। वस्तुतः ये सारे दैहिक संबंध ये और नश्वर हैं। इनकी नश्वरता को यदि मैं संक्षेप में आपके सामने रखूं तो रत्नावली ने तुलसी को प्रबोध देते हुए कहा था, हाण मांस मम चर्म सो तासो ऐसी प्रीति खो जाती रघुनाथ से कट जाती गोभी। आचार्य शंकर इन जागतिक संबंधों के बारे में विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, अत्रात्म बुद्धिम त्यज मूढ बुद्धे त्वंग मांस में दोस्ती पुरी सराशौ सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे पुरुष शांतिम परमां भजस्व। जहां तक ये हमारे ज्ञान योग के तीन विषय हैं, जीव जगत और जागतिक संबंध। जहां तक समत्व योग का प्रश्न है, समत्व योग दूसरों से स्पष्टीकरण के संबंध में यह ज्ञान योग का सैद्धांतिक विवेचन है, और वैयक्तिक जीवन में यह आचार संहिता है, यह वो कोड ऑफ कंडक्ट है जिसका सर्वविध पालन मानव मात्र के लिए क्षेम कर और समस्त दुखों का नाशक है। तो आइए अब हम प्रतिपाद्य पर पहुंचते हैं, समत्व योग पर। समत्व योग के माध्यम से हम संप्रति व्याप्त समस्त दुखों का आत्यंतिक निवारण कैसे कर सकते हैं, समत्व योग के बारे में गीता के द्वितीय अध्याय में विश्वगुरु स्वयं भगवान नारायण कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस समत्व योग के तीन भाग हैं, आत्मगत समत्व, वस्तुगत समत्व, गुणातीत समत्व। आत्मगत समत्व किसे कहते हैं? आत्मगत समत्व के बारे में आत्मगत समत्व को गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। स्थित प्रज्ञ के तीन लक्षण गीता में बतलाए गए हैं, जीव समस्त कामनाओं और वासनाओं का परित्याग कर देता है, समत्वयोगी परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, वह दुख से व्याकुल नहीं होता और सुख की स्थिति की सुख में सर्वथा सुख की न तो लालसा करता है और न सुख प्राप्त हो जाने पर उद्वेगित ही हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात आती है, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि स्थित आत्मगत समत्व के अंतर्गत पहली विशेष बात है समस्त कामनाओं और वासनाओं का परित्याग। वस्तुतः भोग इच्छाएं और वासनाएं ही हमारे दुखों का मूल कारण है। इंद्रियां, मन और इंद्रियां यह प्रकृति प्रसूत हैं, प्रकृति जड़ है, अतः मन और इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति भौतिकवाद और भोगवाद की तरफ रहती है।
मन सहजता विषय अभिमुख होता है और इंद्रियों के माध्यम से वह विषयों का नितराम सुतराम भोग कर लेना चाहता है, परंतु भोग की यह लालसा भोग करने से उसी तरह से द्विगुणतर होती जाती है जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि ज्वाला बुझने के बजाय और प्रदीप्त होती है। न जातु कामः कामा नाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयः वाभिः वर्धते। आचार्य शंकर, इन भोग वासनाओं, ये हमारी शरीर बूढ़ी होती चली जाती है, परंतु भोग वासनाओं के प्रति है आसक्ति कभी न तो कम होती है न कभी समाप्त होती है। आचार्य शंकर कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदप्य मुंचति आशा पिंडम। आशा तृष्णा न मरे मर मर गए शरीर, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तम वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याता तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोग करते करते हम भोग के दलदल में धंसते चले जाते हैं, तथापि भोग की लालसा कभी समाप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर प्रश्न यह पैदा होता है कि अगर भोग वासनाएं ही हमारे सभी दुखों का कारण है तो क्यों न और जिनका माध्यम इंद्रियां हैं, जिनके माध्यम से हम भोग वासनाएं प्राप्त करते हैं सिद्ध करते हैं, तो क्या इंद्रियों को समाप्त कर दिया जाए? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यदि हमारी इंद्रियां ही नहीं रहेंगी तो ऐसी स्थिति में भोग के प्रति हमारी लालसा या हम उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकते। वास्तव में इसका समाधान जब हम गीता में देखते हैं तो इंद्रियों को नष्ट नहीं करना है। भगवान ने कभी भी इंद्रियों को नष्ट करने की बात नहीं कही है। प्रकृति का प्रत्येक कण कण ईश्वर द्वारा सृष्ट प्रत्येक रचना उपयोगी और सृष्टि विधान के लिए आवश्यक है। ऐसी स्थिति में इंद्रियों को समाप्त करना अदूरदर्शिता है। गीता कदापि इसका समर्थन नहीं करती है। तो होना क्या चाहिए? विषय भोगों का संयमित उपभोग दूषण नहीं भूषण है। अपनी मर्यादा और सीमा में जीवन के सुभोग का अपना महत्व है। इंद्रियों की संयमित तृप्ति का अपना चिकित्सकीय और वैज्ञानिक आधार है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से इसका सम्यक उपभोग अपना महत्व रखता है। स्वयं गीता में भी भगवान ने धर्म संयत काम को आत्मस्वरूप बतलाते हुए कहा, बलम बलौताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि वरदर्शभ। जो धर्म के अविरुद्ध काम है, अर्थात जो धर्म संयत काम सिद्धि है, वह स्वयं मेरा ही स्वरूप है। अब इसका मतलब है कि इंद्रियों का यदि हम संयमित उपभोग करें तो इसके द्वारा इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से हम दुखों से प्राण भी पा सकते हैं। मन ही उकारणा नाम बंधन मोक्षयो, मन ही हमारे समस्त दुखों का कारण है और यही अंततः हमारे मोक्ष का भी साधन बनता है। तो ऐसी स्थिति में फिर इंद्रियों और मन का क्या करना है? आखिर में अगर ये समाप्त नहीं करते इनका संयमित उपभोग कैसे होगा? इसके लिए मन की असीम ऊर्जा का हमें सकारात्मक प्रयोग करना होगा। इस हेतु मन की चंचल गति पर नियंत्रण कर उसका शोधन और परिमार्जन आवश्यक है। यदि हम श्री अरविंद के शब्दों में इसे कहें, यह है ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब है कायांतरण, परिवर्तन, पूरा का पूरा बदल जाना। इस पूरी प्रक्रिया में मनुष्य की आकृति तो वही रहती है परंतु उसकी सोच बदल जाती है। यह आत्मिक परिवर्तन है। आत्मिक परिवर्तन का तात्पर्य हमारे मानव से आत्मा को छिपाए रखने वाले पर्दे को हटाना है। यदि हम आचार्य श्री राम शर्मा के शब्दों में कहें तो जीवन को शुद्ध सरल स्वाभाविक एवं पुण्य प्रतिष्ठा से भरा पूरा बनाने का राजमार्ग यह है कि हम अपने आप को शरीर भाव से ऊंचा उठाएं और आत्मभाव में जागृत हो जाएं।
इससे सच्चा सुख शांति और जीवन लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसी बात को भगवत गीता में आत्मनेव आत्मतुष्ट की संज्ञा देती है। आत्मा जाति रूप रंग लिंग भाषा वेशभूषा से परे परमात्म स्वरूप है। समस्त प्रकार की क्षुद्र प्रवृत्तियों एवं सीमितताओं से ऊपर उठकर सर्वात्म भाव से प्रतिष्ठित होना, मन की समस्त शक्तियों को इसी में केंद्रित कर देना स्थित प्रज्ञता है। पुत्र धन लोक की समस्त तृष्णाओं का त्याग करने वाला सन्यासी ही आत्मराग आत्मक्रीडस और सिद्धज्ञ होता है। इस प्रकार आत्मसंयम और अपरिग्रह आध्यात्मिक जीवन की वे संपदाएं हैं जो सामान्य मनुष्य को देवत्व में परिवर्तित कर देती हैं। इसी अपरिग्रह के इसी आत्मसंयम के वैश्विक सिद्धांत को आचार्य श्री राम शर्मा ने आध्यात्मिक अर्थशास्त्र की संज्ञा देते हुए तनाव मुक्त समृद्धि कहते हैं। मन की इस रूपांतरण की अवस्था में जागतिक पदार्थ हमारे सामने रहते हैं, परंतु हम उनका हमारी वासनाएं हमें त्रस्त नहीं करती हैं। ईशावासी उपनिषद का ऋषि इसी तरफ मन के इसी रूपांतरण की तरफ, मन के इसी परिमार्जन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तेन त्यक्तेन भुंजी था मा गृध कस्य सिद्धनम्। तेन त्यक्तेन भुंजी था मा गृध कस्य सिद्धनम्। हमें ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त जितने भी भोग पदार्थ हैं इनका त्याग पूर्वक उपभोग करना है। विषय अनुराग और भोग में शांति और सुख की खोज करने वाले संतप्त मनुष्य को सुख शांति कैसे प्राप्त हो सकती है, स्वयं भगवत गीता में देखें, विहाय कामान्य सर्वान पुमान शरत निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सह शांति अधिगच्छति। निर्मम का तात्पर्य है भोग पदार्थ जो कुछ हैं यह मेरे हैं, मेरे लिए हैं, मैं इनका भोगता हूँ, इस भाव से जो सर्वथा रहित है वही निर्मम है। इसी निर्मम भाव से हमें तेन त्यक्तेन भुंजीथा के रूप में जागतिक पदार्थों का उपभोग करना है और उनका संरक्षण करना है। तो हम देख रहे हैं ये जो हमारी भोग वासनाएं हैं यही हमारे दुखों का कारण है। इन्हीं के कारण भ्रष्टाचार बलात्कार व्यभिचार नाना प्रकार की जो समस्याएं हिंसा आतंकवाद से जो संपूर्ण विश्व त्रस्त है, आज इसी के मूल में हमारा यह बढ़ता हुआ भोग वासनाओं का जंजाल है। यदि हम इसको संयमित कर लें तो हम अपने पूर्ण पुरुषार्थ की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। गीता में इसी बात को भगवान ने निर्ममो निरहंकार सह शांति में अधिगच्छति, मनुष्य को शांति और सुख इस निर्ममता और निरहंकारता से ही प्राप्त हो सकती है। आइए अब हम समत्व योग के दूसरे पक्ष वस्तुगत समत्व की चर्चा करें। वस्तुगत समत्व क्या है? अच्छे बुरे मित्र और शत्रु में संभाव रखना ही वस्तुगत समत्व है। प्रकृति के प्रत्येक उपादान, प्रकृति के प्रत्येक उपादानों में ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति करना, उन्हें आत्मवत समझना वस्तुगत समत्व है। प्रकृति और उसके प्रत्येक उपादानों में, प्रकृति के प्रत्येक कण कण में, जड़ जगत वनस्पति जगत पशु जगत मानव जगत संपूर्ण विश्व में उसी एक सत्ता का, उसी परमात्मा का प्रकाश फैला हुआ है। प्रकृति के प्रकृति और प्राकृतिक उपादानों के साथ मैत्रीपूर्ण समरसता का भाव, प्राकृतिक उपादानों में परमात्म दृष्टि रखना ही वस्तुगत समत्व है। जिस यह वस्तुगत समत्व हम तीन संदर्भों में देखना चाहते हैं। एक तरफ हमारा जड़ जगत है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, सूरज चांद सितारे नदी नद सरोवर हैं। दूसरी तरफ वनस्पति जगत है और जीव जगत है। और तीसरी तरफ हमारा मानव संसार है। ये तीन प्रकार के, तीनों तरफ जड़ जगत वनस्पति जगत पशु जगत मानव जगत के में
यदि हम परमात्म दृष्टि रखते हैं, सब कुछ परमात्मा के अंश से प्रकाशित है, सब कुछ परमात्मा द्वारा निर्मित है, यही भाव वस्तुगत समत्व है। संपूर्ण ब्रह्मांड में ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रकटन है, यह प्रकृति परमात्मा की शक्ति का प्राकट्य है। इस नाते प्रकृति का प्रत्येक कण वंदनीय और रक्षणीय है। मुंडकोपनिषद का ऋषि, अभी जब मैं आपसे वस्तुगत समत्व के संदर्भ में जड़ पदार्थों की बात कर रहा था, सूरज चांद सितारों की बात कर रहा था, नदी नद तालाबों के बारे में बात कर रहा था, मुंडकोपनिषद का ऋषि इनके बारे में क्या दृष्टिकोण रखता था, कहता है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नैषा विदितो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तम् मनुभाति सर्वम् तस्य भाषा सर्विदम् विभाति। जगत और जागतिक पदार्थ में परमात्मा का ही वास है। श्वेतासुतर उपनिषद की तरफ हम आपको ले चलते हैं। ऋषि वहां कहता है, यो देव अग्नौ यो अप्सु यो विश्वं भुवनमा विवेश यह औषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। प्रकृति ब्राह्मी सत्ता का प्राकट्य है। संपूर्ण जगत उसी परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित है। भगवान स्वयं भगवान नारायण गीता में कहते हैं, अश्वत्थ सर्वृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारद गंधर्वाणाम चित्रथ सिद्धानाम कपिलो मुनि ममैवांशो जीवलोक जीवभूत सनातन। प्रकृति और प्राकृतिक उपादानों के साथ यही समत्व भाव हमारी सांस्कृतिक खाती रही है। जब हम कहते हैं ओम देव शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, इन सभी के माध्यम से हम इस जड़ जगत में संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अनुकूल होने की प्रार्थना करते हैं। हमारी सांस्कृतिक खाती बताती, उपगहवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धियो विप्रो अजायत। यजुर्वेद का ऋषि बताता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। यह तो हमारी जड़ जगत की बात रही। जिस वनस्पति जगत, जिस प्रकृति का हम दोहन करके आज प्रकृति हमारे विरुद्ध संघर्ष करने के लिए खड़ी हो गई है, आज यह शुद्ध प्रकृति मानवता को निगलने के लिए तैयार बैठी है, इस प्रकृति के साथ हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? अब हम जीव जगत की बात आते हैं। जीव जगत के साथ, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जैव विविधता की संज्ञा देते हैं विज्ञान की भाषा में, इसे हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के प्रति भगवद गीता का क्या दृष्टिकोण है, यह समझाने के लिए आपको मैं लिए चलता हूँ अभिज्ञान शाकुंतलम की तरफ, जहाँ पर शकुंतला आश्रम में जीवों का संरक्षण कैसे करते थे। शकुंतला की विदाई का समय था और शकुंतला पतिगृह जा रही थी। आश्रम का एक छोटा सा मृग शावक उसके वस्त्र को पकड़ के खींच लेता है। पूछती है, कौन मेरे वस्त्र को पकड़कर खींच रहा है पीछे से? उत्तर आप देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास कहते हैं, यस्य त्वया व्रण विरोपणम् इंगुदीनाम तैलम् न्यसिच्यते मुखे कुशि सूचि विद्धे श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाति सोयम् न पुत्र कृत कह पदवी मृगस्ते। ये शकुंतले, जिस मृग शावक का तुमने अपने बच्चे के समान कोदो और सामा का मुट्ठी भर खिला खिला करके पाला था, आज वही मृक्षावक तुम्हें जाने से रोक रहा है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के माध्यम से मैंने आपको बतलाया कि जैव विविधता के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। चलिए एक और हम लेके चलते हैं रघुवंश महाकाव्य की तरफ। आजकल गो सेवा और गोवध दोनों पर बड़ी चर्चा चल रही है। गाय जो हमारी समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाली है, आज उसकी निर्ममता से हत्या की जा रही है। इस गाय के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है? चक्रवर्ती महाराज दिलीप अपनी समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए गाय की सेवा करते हैं। कैसे करते हैं? अभिज्ञान रघुवंश महाकाव्य का श्लोक में उद्धृत करता हूँ। स्थित स्थितम उचलित प्रयाताम निषेधु सीमासन बंद धीर जलाभिलाषी जलमाद दानम छाये वामसु भूपति रन गच्छत। बैठ जाने पर बैठ जाते हैं, नंदिनी के चलने पर चल देते हैं, प्यास लगती तो उसको पानी देते हैं, छाया की तरह राजा उसका पीछा कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। और वह चक्रवर्ती सम्राट जब लौट करके गाय को लेके शाम को आता है, तो महारानी अरुंधति, महारानी सुदक्षिणा
दिलीप की पत्नी का नाम था सुदक्षिणा, आरती लेकर के नंदिनी कई आरती उतारने के लिए दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। प्रदक्षिणी कृत्य पयस्विनीम ताम सुदक्षिणा साक्षत पात्र हस्ता प्रणम्य नानर्च विशालमस्या श्रृंगांतरम द्वारमिवार्थ सिद्धे। मैं आपको शास्त्रों का यह उदाहरण इस नाते दे रहा हूँ, अभी मैं इसे वर्तमान संदर्भों में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि किस तरह से जैव विविधता का संरक्षण हमारे समस्त दुखों के नाश का कारण बनता है, हमारी श्री वृद्धि का कारण बनता है। वो सुदक्षिणा जो महारानी थी वो एक गाय का श्रृंगांतरम द्वारा निवार्थ सिद्धे, दोनों गायों के बीच के मार्ग को अपने कामनाओं की सिद्धि का द्वार देखती है और वो आरती करती है। आज चलिए आज ये हमारी शास्त्रीय ये हमारी सांस्कृतिक ख्याति रही है, परंतु आज पाश्चात्य भोगवाद का हमारे ऊपर ऐसा नशा और गुरूर चढ़ा हुआ है कि जो कुछ हम में है उसका न तो हम महत्व समझ रहे हैं न उसे अपना रहे हैं। ये पिछड़ेपन का द्योतक माना जा रहा है, गाय की सेवा पिछड़ेपन की द्योतक माना रहा है। जरा मैं जी न्यूज की एक रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जी न्यूज की रिपोर्ट एक आई थी, पश्चिम में आजकल COVID-19 महामारी चारों तरफ फैली हुई है, अवसाद निराशा थका हुआ मन चिंता ब्लड प्रेशर ये सारी समस्याएं मनुष्य को घेरे हुए हैं, मनुष्य अपने को असहाय एवं असहज महसूस कर रहा है। ऐसी स्थिति में गाय से कैसे समाधान मिल सकता है, आइए हम आपको लेके चलते हैं पश्चिम की तरफ। अमेरिका में एक आजकल थेरेपी चल रही है जिसे हम काउ कटलिंग थेरेपी कहते हैं। ये काउ कटलिंग थेरेपी क्या है, जी न्यूज की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ। काउ कटलिंग थेरेपी का मतलब है गाय को गले लगाना, गाय को प्यार करना, गाय के साथ खेलना 90 मिनट में। अमेरिका की इस थेरेपी के लिए लोग फार्म मालिकों को 22,000 रुपए देते हैं, दे भी रहे हैं। मेडिलेड और स्विट्जरलैंड में यह थेरेपी काउ मेडिकेशन गाय के साथ संवाद के नाम से जानी जाती है। 3 घंटे गाय के साथ अपना समय बिताने के लिए यहाँ पर 4,000 रुपए लोग दे रहे हैं। गाय के साथ यह जो समय बिताया जा रहा है, जो काउ कटलिंग गाय को जो प्यार किया जा रहा है, इसे चिंता अवसाद एकाकीपन असुरक्षा ब्लड प्रेशर आत्मविश्वास की कमी यह दूर हो रही है। कारण क्या है, अब जरा इसमें हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, जिसको हमारे शास्त्रों में धर्म के साथ जोड़ दिया गया था। इसमें वैज्ञानिक मामला यह है कि गाय का हार्ट रेट इंसानी हार्ट रेट से थोड़ा कम होता है और उसके शरीर का तापमान इंसानी शरीर के तापमान से थोड़ा ज्यादा होता है। यही स्थिति मनुष्य के दिमाग को रिलैक्स करती है। मेडिटेशन में भी यही होता है, हमारे दिल की धड़कन काफी धीमी हो जाती है। जब हम गायों के साथ इस तरह से प्यार करते हैं, गले लगते हैं, तो हमारा ये ब्लड प्रेशर कम होता है, हमारी चिंता अवसाद और जो नाना प्रकार का असुरक्षा की भावना हमारे अंदर रहती है, ये समाप्त हो जाती है। COVID-19 के इस संकट में बार बार डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इम्यूनिटी मन की पावर को मजबूत करो, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओ। अरे भाई, थके हुए मन से, टूटे हुए मन से हम कैसे महामारी का सामना कर सकते हैं। इस महामारी का सामना करने के लिए, मन को अपने पूर्व रूप में लाने के लिए, मन की असीम ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करने के लिए मन को हमें प्रकृति के साथ जोड़ना पड़ेगा। तभी तो भगवान ने कहा था कि गाय के शरीर में समस्त देवताओं का वास होता है। स्वयं भगवान नारायण ने गीता में कहा, धेनु नाम अस्मि कामधुक, मैं सभी गायों में समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला कामदेव हूं। गीता का ये जो मैंने आपको बताया जड़ जगत और वनस्पति जगत के प्रति है जो समत्व भाव है, जब मानव जगत में आता है तो किस रूप में जाता है, उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। गीतोक्त समत्व भाव, क्या समत्व भाव है गीता में, मनुष्यों के साथ प्राणी मात्र के साथ कैसा व्यवहार करना है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचयु सोपाके च पंडिता समदर्शिन, इन सभी के साथ मनुष्य को समान व्यवहार करना है। यह गीता का
समत्व भाव जागतिक व्यवहार में संयुक्त परिवार के पालन पोषण में सदाचरण का मार्गदर्शक सिद्धांत बन जाता है। आज हम अपने बड़े बुजुर्गों को असहाय वृद्धाश्रमों में कराहते माता पिता हैं। हम उनके साथ भोगवाद की ज्वाला ने हमको इतना एकाकी कर दिया है कि संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार की तो बात ही छोड़ दीजिए, पति पत्नी का संबंध जो जन्म जन्मांतर का संबंध माना जा रहा था, भोगवाद की ज्वाला ने वहां पर भी उसको संकुचित कर दिया। निरंतर तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मैंने आपको बताया यह जो समत्व भाव गीता का है, यह गीता का समत्व भाव जब जागतिक व्यवहार में संयुक्त परिवार के पालन पोषण में सदाचरण का मार्गदर्शक सिद्धांत बन जाता है। कैसे बनता है, आइए हम लेके चले आपको अभिज्ञान शाकुंतलम में। वहां पर शकुंतला पतिगृह जा रही है, उसकी विदाई का समय है। ऋषि कण्व अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, सास ससुर के साथ, नौकर चाकर के साथ, पूरे समाज के साथ कैसा व्यवहार करना है, गीता का समत्व भाव जागतिक व्यवहार में किस रूप में आएगा, आइए हम देखते हैं। कालिदास के व्यास से, त्रुशुश्च गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, भरतुर विप्रकृता पिरोषण तया मा ग्रीष्म प्रतिपंगम, भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुतसेकिनी, यान्तेवं गृहिणी पदम इवतयो वामा कुलस्याधयः। ज्यादा अर्थ के विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है, बस केवल इतना ही कहना है बड़े बुजुर्गों के प्रति देवत्व भाव आदर का भाव रखना है, नौकर चाकर के प्रति समता का भाव रखना है, प्रेम का व्यवहार करना है। प्राकृतिक आज परंतु आज स्थिति क्या हो गई है, प्राकृतिक उपादानों से समरसता की तो बात हम छोड़ सकते हैं, समरसता की बात तो हम छोड़ दें। मानव का पारस्परिक जीवन राजनीति और कलह से कलुषित हो गया है। आज हमारा अर्थशास्त्र कहाँ पहुंच गया है, आज हमारा अर्थशास्त्र कहता है आत्मानम सततम रक्षेत। आत्मानम सततम रक्षेत का अर्थशास्त्र ने वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को तार तार कर दिया है। अगर हमें अपने अंदर बुद्ध की उस करुणा का प्रसार करना पड़ेगा जहां संपूर्ण प्रकृति जीव जगत आत्मवत प्रतीत होती है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। भारत के इसी भारतीय सांस्कृतिक आदर्श को गीता, यह संपूर्ण भारतीय सांस्कृतिक आदर्श गीता के इस तत्व दर्शन में पर्योषित होता है। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वत्र च मयि पश्यति तस्यं हेन प्रणश्यामि सचन मे प्रणश्यति। गीता के इसी समत्वयोग को आधुनिक संदर्भों में व्याख्या करते हुए स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, प्राणी मात्र के साथ संपूर्ण वसुधा के लोगों के साथ हिंसा और आतंकवाद से ग्रसित, जाति रूप रंग लिंग भाषा वेशभूषा में की विद्वेषाग्नि में जलते हुए मानव मात्र को स्वामी रामतीर्थ गीता के समत्व भाव का उपदेश देते हुए कहते हैं, ओ पृथ्वी सातों सागर वो तुम मेरे पुत्र पुत्रियां हो, ओ सभी वनस्पति पशु पक्षी टूटे सब सीमा बंधन लो, गाओ अजस्त्र स्वर से गाओ ओ त्राही माम ओ त्राही माम ओ त्राही माम। संपूर्ण प्राणी मात्र के साथ जड़ जगत वनस्पति जगत पशु जगत इनके साथ समत्व भाव आत्मोद्भाव रखना ही वस्तुगत समत्व है। अब आइए अब हम लोग गुणातीत समत्व की तरफ बढ़ते हैं। गुणातीत समत्व क्या है, सत्व रजस्तम श्याम साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृति का निर्माण सात्विक राजसिक और तामसिक गुणों से हुआ है। मनुष्य प्रकृति प्रस्तुत है, इस नाते हम कह सकते हैं कि सात्विक राशिक और तामसिक गुणों का नाम है, सात्विक राशिक और तामसिक गुणों के साकल्य का नाम है मनुष्य। यह सात्विक राशिक और तामसिक गुण मनुष्य को नाना प्रकार से शरीर भाव में बांध देते हैं।
गीता के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सत्वम रजस तमस इति गुणा प्रकृति संभवा निबघ्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। इस अजन्मा अविनाशी आत्मा को देह के साथ बांध देते हैं। देह के साथ कैसे बांधते हैं, आइए इसकी थोड़ा संक्षेप में हम व्याख्या करें। तमोगुण, हमने आपको बताया सात्विक राजसिक और तामसिक। तामसिक गुण अंतक, ये जब शरीर में बढ़ जाता है तो अच्छा एक बात आपको बता दूं, तमोगुण रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों का साकल्य है मनुष्य। प्रत्येक मनुष्य में इन तीनों गुणों का, ये तीनों गुण प्रत्येक मनुष्य में निगाधे के रूप में पाए जाते हैं। जिसमें जिस गुण की प्रबलता होती है उसी के अनुसार व्यक्ति की पर्सनैलिटी बनती, व्यक्ति का स्वरूप निर्धारित होता है। तमोगुण अंतःकरण इंद्रियों में जड़ता आ जाती है जब तमोगुण बढ़ता है, कार्य करने की इच्छा समाप्त हो जाती है, मन में अहर्निश नकारात्मक विचारों की आंधी बहती रहती है, ऐसा व्यक्ति दूसरों के दुखों से कभी द्रवित नहीं होता है। ओह या वह जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम विवेत अथवा काम एकैक पुरुषार्थ की भावना में निरंतर फंसा रह जाता है। जब व्यक्तित्व में रजोगुण बढ़ता है तो रजोगुण क्योंकि स्वभावतः चंचल होता है, कार्य करने की तीव्र इच्छा और अधिकाधिक प्राप्त करने की अभिलाषा इसकी विशेषता होती है। ये कभी शांति से बैठ नहीं पाता है, मनुष्य निरंतर सक्रिय रहता है, परंतु ये उसकी सक्रियता दो दिशाओं में चलती है। रजोगुण की यह सक्रियता पर्सनैलिटी में दो दिशाओं में चलती है, जिसे हम पाप वह प्रवृत्ति और पुण्य वह प्रवृत्ति कह सकते हैं। यह पाप वह प्रवृत्ति लोभ का कारण बनती है, मन में चांचल्य पैदा होता है, सुख दुख चिंता परेशानी सदा बनी रहती है। परंतु यही रजोगुण की प्रवृत्ति जब शुभ कर्मों की तरफ बढ़ती है तो सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। लेकिन जैसे जैसे सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि होती जाती है, जीव में अहंकार बढ़ता जाता है, परिणामतः यही अहंकार उसके दुख या पतन का कारण भी बन जाता है। तो सतोगुण की क्या स्थिति है? सतोगुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक और विकार रहित होता है। सत्वगुण से पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को प्राप्त करता, उसका आध्यात्मिक उत्कर्ष होता है। परंतु ज्ञान से संबंधित होने के कारण इसमें भी अभिमान उत्पन्न हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में प्रश्न इस बात का है, ये तीनों गुण हम देख रहे हैं, अंततः चाहे वो सत्वगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो, तमोगुण जहां सक्रियता का कारण है, तमोगुण जहां पर निष्क्रियता का कारण है, वहीं रजोगुण सक्रियता का कारण होते हुए भी दुख का कारण बनता है, और सत्वगुण ये अच्छा तो है परंतु इससे भी हमें आध्यात्मिक उत्कर्ष का अभिमान पैदा हो जाता है। तब क्या करना होगा? भगवान कहते हैं इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है आपको। हे अर्जुन निस्त्रय गुणयो भवार्जुन, हे अर्जुन इन गुणों के उद्रेक से तुम्हें ऊपर उठना होगा, व्यक्तित्व में समत्व भाव लाना होगा। सुख और दुख सतत परिवर्तनशील और गुणाधीन है, इनके प्रति संवेदनशीलता अवसाद और अहंकार का कारण बनती है। सुख और दुख को जो संभाव में ले ले, समझो वही जीवन के रहस्य को समझ पाया। वेदांत में इसी तीनों गुणों के ऊपर उठने की, ऊपर उठ करके जो समत्व भाव पैदा होता है, वेदांत की भाषा में उसे स्वमहिमनी प्रतिष्ठित कहा जाता है। आधुनिक समाज में सभी प्रकार की समस्याओं का, मानव जीवन में व्याप्त सारे प्रकार का दुखों का निवारण गीता के इसी समत्व योग में है। चाहे वो हमारी अपनी भोग इच्छाएं हों, जिसके परिणाम स्वरूप व्यभिचार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अनाचार अथवा प्रकृति का प्रदूषण हो, अथवा हमारा हताश और टूटा हुआ मन हो जो अंततः दुखों से विचलित हो जाने पर हमें आत्महत्या की तरफ ले जाता है, यदि इन सभी समस्याओं का एक बार की समाधान करना है तो हमें गीता के समत्व योग की शरण में जाना ही पड़ेगा। समत्व योगी, लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है, समत्व योगी लोक संग्रहार्थ कर्म करता हुआ भी कर्मों में नहीं बंधता है। भगवान ने गीता में कहा, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् नपि निलिप्यते। सारी सारी समस्याएं
और जैसे ही हम इस समत योग की उस स्थिति में पहुंचते हैं, हमें अखंड आनंद की अनुभूति होती है। अपना पराया ये सब कुछ भूल जाता है, या तो संसार में कोई अपना नहीं लगता, या संपूर्ण संसार अपना ही प्रतीत होने लगता है। जाति रूप रंग लिंग भाषा वेशभूषा से हम परे हो जाते हैं। इस अखंड आनंद की अनुभूति की अभिव्यक्ति आचार्य जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में किया है। समरस्ते जड़ यो चेतन सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलस्ती आनंद अखंड घना था। समरस्ते जड़ यो चेतन सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलस्ती आनंद अखंड घना था। इसी कारण भगवान स्वयं भगवान नारायण समस्त दुखों के निवारणार्थ मनोजाति को अर्जुन के व्यास से उपदेश देते हुए कहते हैं, तस्मात सर्वकालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, योग युक्त हो जाओ, ये तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान है। ओम नारायण नमः, कृष्णं वंदे जगत गुरु। धन्यवाद। जागतिक समस्याओं का समाधान, गीता के समत्वयोग का युवानुकूल विमर्श मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इस संबंध में यदि किसी को कुछ जिज्ञासा हो, वैसे तो पूर्ण केवल ब्रह्म ही होता है, तथापि आपकी जिज्ञासा के समाधान के लिए मैं उसका आवाहन करता हूँ, आदर करता हूँ। आदरणीय पाठक जी, समय हो चुका है, बताएं। जी जी, धन्यवाद सर। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि आपने सुरुचिपूर्ण व्याख्यान से अपने दर्शन के आलोक से हम लोगों को आलोकित किया। शास्त्रीय संदर्भों को व्यवहारिक रूप में जिस प्रकार आपने प्रस्तुत किया, कवित्व गुण का एक परिचय आपने हमारे समक्ष रखा, हमारे सुधी श्रोता निश्चित ही लाभान्वित होंगे। मैं सुधी श्रोताओं को प्रश्न के लिए आमंत्रित करता हूँ, किसी कुछ जिज्ञासा है तो करे, प्रश्न तो नहीं हो सकता। जिज्ञासा है, हमारे पास 10 मिनट है अभी, इन्हीं की कुछ जिज्ञासा है तो पूछ सकते। धर्म के साथ जोड़ दिया गया था। जैसे हम विज्ञान का सहारा लेते हैं, विज्ञान के माध्यम से जब तक परासत्ता की अनुभूति नहीं होगी, तब तक वैज्ञानिक आविष्कारों के माध्यम से, वैज्ञानिक संसाधनों के माध्यम से जागतिक समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए इतनी सारी योजनाएं वर्षों से चल रही है, परंतु गंगा प्रदूषण मुक्त क्यों नहीं हो पाई? इसके पीछे एकमात्र कारण है कि हमारा उसके प्रति देवत्व दृष्टि नहीं है। जब तक गंगा की जटाओं का, जब तक भगवान शंकर की जटाओं से आती हुई माँ भागीरथी का वह देवत्व स्वरूप हमारे शरीर में, हमारे अंदर वो भाव नहीं जागृत होगा, तब तक गंगा पाप नाशिनी नहीं बन सकती है। तब तक गंगा इसी तरह से प्रदूषण युक्त रहेंगी। इसके लिए आवश्यक है हम प्रकृति, प्राकृतिक उपादानों, जीव जगत, जड़ जगत, वनस्पति जगत सब में आत्मभाव रखें और यह मान के चलें कि सब कुछ परमात्मा का वास है, सारा संसार ब्रह्ममय है, यह ब्रह्म उसी का नायक है। इस नाते से हर एक वस्तु हेतात पूजने लायक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे पाठक जी, और कोई है किसी के पास जिज्ञासा है कुछ? कोई है? एनीवन? सुनील जी, मैंने बोलिए सर, एक प्रश्न है, मतलब जिज्ञासा थी कि आवाज साफ नहीं, अरे बाहर में हूँ, हवा बहुत चल रही है। बोलिए। हेलो हेलो, हाँ बताइए। हाँ सर, ये हाँ सर, मैंने बहुत लोगों से ये सुना है, अमूमन ऐसी बातें चलती हैं कि योग और दर्शन में कुछ भिन्नता है, तो उसी से संबंधित मेरी जिज्ञासा थी, उसमें कुछ भिन्नता है या एकता है दोनों में, दर्शन और योग में? प्रश्न तो आपने बहुत मौलिक प्रश्न उठाया है। आजकल प्राय है प्रश्न पूछा जाता है कि क्या योग और दर्शन में कोई भिन्नता है। उत्तर कई प्रकार से दिया जा सकता है, जहां तक मेरी समझ का प्रश्न है।
दर्शन शास्त्र वास्तविक ज्ञान की सैद्धांतिक अभिव्यक्ति है। यह वैयक्तिक सदाचरण का विषय है और जैसे ही यह सैद्धांतिक ज्ञान हमारा व्यवहार रूप में आता है वह युगों का रूप धारण कर लेता है। सिद्धांत और व्यवहार जीवन के ऊंचे उछले हैं जिससे हमारी शरीर स्वस्थ रह सकती है, हमारा मन स्वस्थ रखता है। शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए यहाँ ज्ञान का सैद्धांतिक आलोक हमारे अंदर होना चाहिए, जहाँ हमें दर्शन शास्त्र द्वारा उन गूढ़ विषयों का की जानकारी होना चाहिए, वहीं उसे हम अपने जीवन पथ पर अपने जीवन में उतार सकें। इसके लिए योग ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम उसे अपने जीवन में उतारने की साधना करते हैं। तो मेरा ऐसा क्योंकि संक्षेप में यदि मैं आपसे कहूं तो दर्शन शास्त्र परम ज्ञान की वास्तविक ज्ञान की तात्विक ज्ञान की सैद्धांतिक अभिव्यक्ति है, सैद्धांतिक प्राकट्य है, वहीं पर योग उसकी व्यवहारिक विवेचना है। हम उसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, इन सभी का शरीर और मन दोनों स्वस्थ कैसे रह सकता है, इन सभी को जब हम व्यवहारिक जीवन में उन साधनाओं के माध्यम से उस ज्ञान को उतारना चाहते हैं तो हमें योग की शरण लेना पड़ता है। इस तरह से हम कह सकते हैं यह सिद्धांत और व्यवहार, दर्शन और योग क्रमशः सिद्धांत और व्यवहार है, इनमें किसी तरह का आत्यंतिक विभेद नहीं है। व्यक्ति और हाँ कोई किसी तरह का आत्यंतिक भेद नहीं है। हेलो एवरीवन, सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर, प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन इफ You have. किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सेशन ओपन हो चुका है क्वेश्चन आंसर के लिए। सो आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है मुझे लगता है। विशंबर सर है? जी सर शायद है। सो वी कम टू एंड लास्ट। जी आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर विशंबर सर टू कंक्लूड एंड वोट ऑफ थैंक्स एंड शांति पाठ। ओके सबको प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम सर, आपके ये दर्शन के ऊपर जो उद्बोधन रहा सभी के लिए बहुत ज्ञानवर्धक रहा है, ऐसी मुझे आशा है। मैं डॉक्टर विशंबर सिंह रंजन विश्वविद्यालय परिवार की ओर से कुलपति आदरणीय प्रोफेसर सिकंदर कुमार जी की ओर से विभाग अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार शर्मा जी की ओर से पूर्व विभाग अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर रीटा भल्ला जी की ओर से मेरे सहयोगी डॉक्टर सत्य प्रकाश पाठक जी, डॉक्टर अर्पिता नेगी जी तथा स्वयं की ओर से पीएचडी और एमफिल के शोधार्थियों की ओर से वो मास्टर डिग्री और डिप्लोमा के योग साधकों की ओर से तथा विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए आचार्य एवं योग साधकों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके ज्ञानवर्धक उद्बोधन से सभी लोग अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। मैं स्वयं की ओर से आप सभी साधकों का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ के लिए ध्यानात्मक आसन में आए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखवाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ धन्यवाद। धन्यवाद भैया। आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आनंद आया सर।
और फिर हम भविष्य में आशा करते हैं कि आप उपस्थित होंगे हमारे साथ यथाशीघ्र। ये ठीक है, नेटवर्क प्रॉपर नहीं मिल रहा मुझे, एकदम बाहर ला।